चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको लिखना शुरू करते हैं। पहला वाला पार्ट देखते हैं, 0 पॉइंट से शुरू हो रहा है, मतलब नंबर जो है लेस देन 1 है, तो 10 की पावर कितनी आएगी, नेगेटिव आएगी, राइट। उसके बाद दूसरा स्टेप, जितने भी जीरोस हैं सबको डिस्कार्ड कर दें और जो नंबर है उसे लिखें, 3, 7, 5। दो स्टेप्स हो गए आपके। तीसरे स्टेप में राइट लेफ्ट साइड से एक डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाइए, मतलब डेसिमल कहाँ लगाना है आपको, यहाँ लगाना है। अब दोनों डेसिमल्स के बीच के डिजिट्स काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो दिस इज 3.75 × 10⁻¹। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका, क्योंकि ये नंबर 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1 है, तो आपकी पावर जो है पॉजिटिव आएगी। सेकेंड स्टेप में सारे जीरो डिस्कार्ड कर दीजिए, 928। थर्ड स्टेप में लेफ्ट साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाइए, मतलब डेसिमल यहाँ लगाना है, तो इसके आगे की जितनी भी डिजिट्स है वो काउंट कर लें आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। सो दिस इज 10 की पावर + 12, प्लस आप लगाएंगे नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 9.28 × 10⁻¹, राइट। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, राइट। इसको या तो आप पहले डेसिमल में बदल लीजिए। अब डेसिमल में इसको बदलने का तरीका क्या है, कितने जीरोज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसको आप चेंज कैसे करते हैं, 0.12345678, राइट। इसको डेसिमल में बदल दीजिए आप, राइट, या तो इसको डेसिमल में बदल दीजिए, और फिर मैं इसका दूसरा तरीका बताती हूँ। पहले मैं इसी से कर देती हूँ कि अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो फिर हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, राइट। अब क्योंकि मैंने इसे डेसिमल में चेंज कर दिया, मीन 0 पॉइंट से शुरू हो रहा है, मतलब सीधा है कि ये नंबर लेस देन 1 है, तो 10 की पावर -9 आ जाएगा, राइट। सारे जीरोस को डिस्कार्ड कर दीजिए, नंबर लिख लीजिए, क्योंकि एक ही नंबर है, एक ही लिख लीजिए। डेसिमल कहाँ लगना चाहिए, यहाँ पे लगना चाहिए एक्चुअली। अब इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ डेसिमल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मगर आपको याद रखना है कि डेसिमल अगर लगता तो कहाँ लगता, 3 के बाद लगता, मतलब यहाँ लगता है डेसिमल। तो अब इन दोनों के बीच के सारे डिजिट्स आप काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 10⁻¹, राइट। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आप इसको दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि इसको बिना डेसिमल में लाए, क्योंकि हम लोग एक्सपोनेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसे बिना डेसिमल में लाए ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। कैसे कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, इस नंबर को आप लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 3/10⁸, राइट। जितने जीरोज हैं वो 10 की पावर हमने लगा दी, राइट। और क्योंकि ये जो 10 की पावर है इसे हमें डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, न्यूमरेटर में ले जाना है। तो आपको मालूम है कि अगर पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो, पॉजिटिव पावर हो, और उसकी अगर आप जगह चेंज कर रहे हैं, न्यूमरेटर में ले जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट नेगेटिव में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻¹। आपको दोनों में से जो ईजी लगता है उससे आप इसको समझ सकते हैं, राइट। उसके बाद आपका लास्ट पार्ट है 4603 × 10⁻¹-5। अब यहाँ बोलेंगे आपकी 10 की पावर -5 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है पावर में, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वाला नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, क्योंकि ये नंबर है, अभी भी भूल जाइए कि ये लिखा हुआ है, राइट। अभी 2 मिनट के लिए भूल जाइए कि 10⁻¹⁵ लिखा हुआ है, पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि कोई जीरो नहीं है, नंबर 1 से बड़ा है, तो पावर 10 की आपकी पॉजिटिव ही आनी है, राइट। जीरो है नहीं कोई भी, तो आप नंबर लिख दीजिए पूरा 4603। थर्ड स्टेप में एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, डेसिमल के आगे के सारे डिजिट्स काउंट कर लीजिए, 1, 2 एंड 3, तो ये हो गया 3। अब देखिए आपके पास यहाँ क्या लिखा था, 10⁻¹⁵, तो मैं यहाँ पे भी 10⁻¹⁵ कर, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू द
लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, अगर बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे, इंटू 10^3 पावर को हमने प्लस कर दिया, दोनों पावर्स को 3 को और -5 को ऐड कर दिया हमने। तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिख सकते हैं, इंटू 10^-2।